हेलो स्टूडेंट्स आज मैं रूपाली अग्रवाल मैं आज से आपके साथ कंपनी लॉ स्टार्ट करने जा रही हूं और कंपनी लॉ में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन कंपनी एक्ट 1857 जो कि सबसे पहले 1857 में आया था दिस एक्ट वाज अ लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन इन इंडिया इट recognized फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड द concept ऑफ लिमिटेड liability. ये जो लैंडमार्क केस था ये इंडिया में 1857 में आया था इट वॉज द लैंडमार्क केस एंड इट वॉज रिकोगनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी और ये प्रिवलेज नहीं देता था लिमिटेड लाइबलिटी टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज़ फिर आया द इंडियन कंपनीज एक्ट 1860। इट वाज़ बेस्ड ऑन द कंपनीज एक्ट 1857। ये जो एक्ट था ये कंपनीज एक्ट 1857 पे बेस्ड था एंड एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड कंपनी टू द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी तो यहाँ पर इसका एक्सटेंशन हुआ जो कंपनी एक्ट 1857 में आया था वो प्रिवलेज नहीं देता था लिमिटेड कंपनीज टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी बट एटीन सिक्सटी में जो कंपनीज एक्ट आया उसने यहाँ पर बेनिफिट दिया टू द बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि जो कंपनीज एक्ट था वो डूरिंग ब्रिटिश रूल डेवलप हुआ था तो इसलिए ये जितने भी कंपनी एक्ट पहले आए वो बेस्ड थे कंपनीज एक्ट एटीन फिफ्टी सेवन और एट द सेम वे एंड द अदर अदर, अदर इयर्स जैसे जैसे इयर्स चेंज हुआ उसी तरह ये बेस्ड होते रहे कंपनीज एक्ट के ईयर के अकॉर्डिंग Uh, it was the first uh, uh, in 1866 Mayfield again the Indian Companies Act came. It was the first comprehensive legislation for the इनकॉपोरेशन रेगुलेशन एंड बाइंडिंग अप ऑफ़ द ट्रेडिंग कंपनीज एंड अदर एसोसिएशन इस कंपनीज़ एक्ट में जो ये फर्स्ट एक्ट के बाद जो एटीन सिक्सटी सिक्स का एक्ट आया इसमें अलग अलग प्रोविजंस दिए गए फॉर कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन बाइंडिंग अप ये थोड़ा सा कॉम्प्रीहसिव एक एक्ट माना गया और ये बेस था कंपनीज एक्ट एटीन पे फिर

विद द अमेन्डमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड जितने जितने अमेन्डमेंट्स हुए कंपनीज एक्ट में उनको इसने इंकॉर्पोरेट किया टिल दैट टाइम एंड द माइनर 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 अमेडमेंट्स होते रहे जैसे कि इन द ईयर एटीन एटी सेवन एटीन नाइनटी वन एटीन नाइनटी फाइव एंड नाइनटीन हंड्रेड एंड टेन दैन कम्स द इंडियन कंपनीज एक्ट नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टीन दिस एक्ट इंट्रोड्यूसड फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है प्री में कि कौन सी एक्ट से प्राइवेट कॉन्सेप्ट का डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट तो इसका आंसर होगा द इंडियन कंपनीज एक्ट नाइनटीन थर्टीन इट वॉज एंटायरली बेस्ड ऑन द कंपनीज एक्ट नाइन इंग्लिश कंपनीज एक्ट नाइनटीन हंड्रेड एंड एट Uh, the indian companies act 1936 the act of 1913 uh, failed to take care on the typical conditions of trade commerce prevailing in इंडिया इसमें क्या हुआ जो ये कंपनीज एक्ट था 1936 ये फेल हो गया टिपिकल कंडीशंस को लेने के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स के जो उस टाइम प्रिवेल कर रहे थे इंडिया में और टू रेगुलेट दीज द मैनेजिंग आ, एनेजिंग सिस्टम जो प्रिवलेंट थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के उनको आ, रेगुलेट कराना पड़ा उसके तो आ,

जो चेंजिंग सिनेरियोस हम देख रहे थे नाइनटीन थर्टी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में जो चेंजिंग सिनेरियो हमने देखा उसमें एक कमेटी का गठन हुआ और किसकी चेयरमैनशिप में सी एच भाभा की चेयरमैनशिप्स में एंड द कंपनीज एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी वॉज अमेंडिंग एज द कंपनीज एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी सिक्स तो जो अपनी कंपनीज एक्ट नाइनटीन थर्टीन बना था उसको अमेंड कर दिया गया एज द एक्ट ऑफ नाइनटीन 36. The Bhaba Committee submitted a comprehensive report in April 1952. And it was largely based on the recommendations of the Bhaba Committee and to closely followed the English Companies Act 1948. The Companies Act 1956 came into the force with effect from फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ये जितनी भी टर्म्स जितनी भी ये ईयर्स हैं कंपनीज एक्ट कब कब आया वी हैव टू लर्न ऑल दैट और इसी तरह से हमको रीड करके उसको सबको याद ही करना होगा द कंपनीज एक्ट टू हंड टू थाउजेंड थर्टीन अब ये जो मेन एक्ट चल रहा है वो हमारा है कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन इन द वेक ऑफ द इकोमिक रिफॉर्म्स ऑफ द यू पी ए टू गवर्नमेंट इंट्रोड्यूज द कंपनीज बिल इन दार्लियामेंट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेल्व में विद सीरियस इफेक्ट्स ये प्रिवेल हुआ एंड द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड टर्टीन चेंज द डास्टिकली द कंपनी लॉ और कंपनी लॉ जो कंपनीज uh, एक्ट जो टू थाउजेंड थर्टीन में आया इसने काफ़ी हद तक चेंज लाया कंपनी लॉ में एंड अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे क्योंकि इसमें जो हुआ था ना इसमें लिखा इट हैज डन द अननेसेसरी प्रोविजंस रिड्यूसिंग इसको जो अननेसेसरी प्रोविजन था उनको रिड्यूस कर दिया टू थर्ड फ्रॉम सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी सेक्शंस अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन इन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ़ कॉरपोरेट अफेयर्स पायलेटेड दंपनीज बिल टू थाउजेंड ट्व फॉलोइंगर द मेन ऑबजेक्टिव दबजेक्टिव क्या थे टू थाउजेंड थर्टीन में जो एक्ट आया कंपनीज एक्ट और जो अभी भी प्रीवेल हम कर एंड वी विल स्टडी दैट तो इसमें क्या था फर्स्ट वन इज द एक्ट एम्स एंड ओवर रूलिंग द कॉरपोरेट कोलिंग द कॉरपोरेट गवर्नेंस सेकेंड फर्स्ट टू ग्रांट शेयर होल्डर्स ग्रेटर पावर टू डिफेंड देयर राइट्स टू ले डाउन द रूल्स फॉर द कंपनीज टू स्पेंड ऑन द वेलफेयर एक्टिविटीज टू लेजिसलेट अ फ्रेमवर्क फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस टू प्रिवेंट फ्रॉड टू मेक कारपोरेट बोर्ड रूम डिसीजन ट्रांसफरेंट होल्ड ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स अकाउंटेबल यहाँ पर डायरेक्टर्स अकाउंटेबल होंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात कही है डिफेंड कर सकते हैं राइट्स शेयर होल्डर्स अपने और रूल्स लेट डाउन होंगे फॉर कंपनी वेलफेयर और एक लजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनेगा जिससे कि चेक हो सके कि कोई फ्रॉड ना हो टू इनेबल द शेयर होल्डर टू एसोसिएशन टू टेक लीगल एक्सेंड अगेन कंपनीज प्रोमोटर अगर कभी उन्हें लगता है शेयर होल्डर्स तो वो लीगल एक्शन ले सकते हैं अगेन कंपनीज प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टू मेक इट मैंडेटरी फॉर द कंपनीज टू रोटेट ऑडिटर्स इन स्टिपुलेटेड टाइम प्रैक्टिस तो ये सब हमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं को माइंड में रखना है एज इट इज़ हमें याद करने हैं द फिर हम देखेंगे द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट द एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू अब हम ये दिखेंगे क्या एप्लीकेशन है एक्ट की फर्स्ट वन इज़ द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ कंपनीज जितनी भी इनकॉर्पोरेटेड हैं अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ में जो भी इनकॉर्पोरेट हुई हैं कंपनीज उन्हीं सब कंपनीज़ पर एप्लीकेबल होगा इंश्योरेंस कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट इन सो फार सेट सोफारेट इनकन्सिस्टेंट अगर कोई इंकन्सिस्टेंट है उनको एक्सेप्ट करते हुए थर्ड वन बैंकिंग कंपनी से एक्सेप्ट सेट प्रोविजन इफ इनकसटेंट कंपनीज इंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एनी अदर कंपनी गवर्न बाई एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स सच बॉडी कॉरपोरेट इन कॉपोरेटिव बाई एनी एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन द सेंट्रल गमेंट में बाय नोटिफिकेशन तो ये सारा था हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ कंपनीज एक्ट और द लेटेस्ट एक्ट कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के क्या साइलेंट फीचर्स और एप्लीकेशंस हैं नाउ वी विल कम टू द सेकेंड टॉपिक दैट इज देशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड द एपलेट ट्रिब्यूनल तो यहाँ पर इसका जो प्रोविजन है वो बी एक्ट से आप देख सकते हैं दैट इज दी फोर हंड्रेड सेवन आपको बी एक्ट से स्टडी करना होगा और अप आप बी एक्ट से इसको समझते रहें साथ साथ इन दिस चैप्टर द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स चेयरमैन मीन्स कुछ कुछ को कॉन्स्टिट्यूट करता है नेशनल कंपनी ट्रिबनल तो ये है इसमें द चेयरमैन मीन्स द चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल जुडिशियल मेम्बर मीन्स द मैंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल और द एपलेट ट्रिब्यूनल एज अपॉइंटेड एंड इंक्लूड्स द प्रेजिडेंट और द चेयरपर्सन एज द केस मे बी तो गाइज लर्न ऑल दीज टर्म्स मतलब क्या क्या इसमें इंक्लूडेड हैं ए में क्या है चेयरमैन है बी में जुडिशियल मेंबर है दिस ऑल यू हैव टू लर्न एन सी एज द मेम्बर मीन्स मेम्बर वे द जुडिशियल और टेक्निकल of the tribunal or the appellate tribunal and includes the president or the chairman as the case may be then d is the president means the president of the tribunal e technical member means the member of the tribunal or the appellate tribunal appointed as such now we comes to 408 section that is enforced on 12 september 2013 constitution of national company law tribunal द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज में ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तो हम इसको क्या uh, पढ़ेंगे एज द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नेशनल कंपनी लॉ और कंसिस्टिंग ऑफ वॉट प्रेसिडेंट एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम नेसेसरी टू तो बी अपॉइंटेड ये सब आपको याद ही करना होगा क्योंकि किस तरह से सेक्शंस में इसमें कुछ ऐसा समझाने के लिए नहीं है क्योंकि इसमें तो जनरल एक बात कही गई है कि कॉन्स्टिट्यूट क्या होगा नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल में और क्या होता है किस में डिफाइंड है क्या क्या उसके मेंबर्स होंगे अब हम बात करते हैं सेक्शन 409 क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेजिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल इनफोर्स्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 12 सितंबर 2013 द प्रेसिडेंट शैल बी अ पर्सन हु इज बीन अ जज ऑफ़ द सुप्रीम कोर्ट फॉर फाइव ईयर्स जो जज रहे हो सुप्रीम जो हाई कोर्ट के सॉरी फॉर फाइव ईयर्स के लिए अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज जुडिशल मेम्बर क्वालिफाइड नहीं होगा अनलेस ही इज बीन अ जज ऑफ़ द हाई कोर्ट हैज़ बीन डिस्ट्रिक्ट जज फॉर लास्ट फाइव ईयर्स और फॉर एटलीस्ट टेन ईयर्स हैज़ बीन अ एडवोकेट ऑफ अ कोर्ट दैन थर्ड इज द पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज टेक्निकल मेम्बर जब तक वो क्वालिफाई नहीं होगा अनलेस ही Has at least 15 years have been a member of Indian corporate law service or Indian legal services. His has been a practice a chartered accountant for at least 15 years. Has been practice in cost accountant for at least 15 years. These all you have to learn. Is has been a practice of company secretary for 15 years. Is a person of proven ability, integrity and standing, having special knowledge and professional experience of not less than fifteen years in industrial finance management, risk construction, investment, accountancy, is or has been at least five years a presiding officer of a labor court tribunal, national tribunal constituted under the Industrial Dispute Act 1947. नाउ कम्स द फोर हंड्रेड टेन constitute ऑफ effect from such कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे भी इन्फोर्समेंट इसका है विद इफेक्ट फ्रॉम ट्वेल्थ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड थर्टीन दिस इज ऑल फ्रॉम द बेर एक्ट तो आप एक्ट से इसको पढ़ें और इसको याद करें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है कैसे कैसे उनकी क्वालिफिकेशन और वो दी गई है ये आपको सब लर्न ही करना होगा आई एम सेंग अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इस नॉट देयर टू एनी नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन दिस ऑल यू हैव टू लर्न आउट द सेंट्रल गमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विद इफेक्ट एपलेट ट्रिब्यूनल भी इसका एक कॉन्स्टिट्यूट होगा दैट इज़ नोन एज द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग एलेवन से ज़्यादा एक्सक्यूज एक 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 नहीं होंगे एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फेड टू बी अपॉइंटेड बाय नोटिफिकेशन द ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट एनी डायरेक्शन डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट टू टू

A judicial member shall be a person who has been a judge of the high court or judicial no member of the tribunal for five years. A technical member shall be a person of proven ability, integrity, standing, knowledge, and professional experience of no twenty five years, industrial finance, industrial management, and district investment and accountancy. Then comes the 412 selection of members of tribunal and the एपिले ट्रिब्यूनल अब इसमें किस तरह से सिलेक्शन होगा द प्रेजिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेम्बर्स ऑफ द पेलेट ट्रिब्यूनल शेल अपॉइंट यहाँ पर कौन अपॉइंट करेगा जो प्रेजिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड द चेयरपर्सन ऑफ द जुडिशियल मेम्बर्स ऑफ दिल ट्रिब्यूनल शेल बी अपॉइंटेड आफ्टर द कंसल्टे ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी प्रेजिडेंट होगा ट्रिब्यूनल का और चेयरपर्सन होगा या जुडिशियल मेम्बर्स होंगे पेलेट ट्रिब्यूनल के वो भी अपॉइंटेड होंगे आफ्टर द कंसल्टे ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया The members of the tribunal and the technical members of the appellate tribunal shall be appointed on the recommendation of selection committee. Hapak selection committee hogi, jo consisting of the Chief Justice of India or his nominee chairperson, senior judge of the Supreme Court or Chief Justice of High Court member, Secretary in the Ministry of Corporate Members Member, Secretary in the Ministry of Law. Uh, and justice member. Now we will see the section four hundred and thirteen that is. विद इफेक्ट from 12 सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एंड थर्टीन द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट चेयरपर्सन एंड अदर मेम्बर्स कितने टर्म के लिए वो अपॉइंट होंगे ये बताया गया इसमें. The President, ये है इसमें द प्रेजिडेंट ये सिंपल है जस्ट आपको लर्न आउट करना है इसको इसमें समझने का एज सच कुछ नहीं है क्वालिफिकेशन टर्म्स मेम्बर्स प्रेजिडेंट चेयरपर्सन सलेक्शन कैसे दिस ऑल यू हैव टू लर्न एंड जस्ट रीड आउट द एक्ट द प्रेजिडेंट एंड द एवरी मेम्बर ऑफ द ट्रिब्यूनल शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स के लिए वो टर्म होल्ड करेंगे ऑन द डेट वेयर ही एंटर्स ऑन द ऑफिस शेल भी इलेजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट और इलाजिबल भी होगा पूरी अपॉइंटमेंट के लिए फॉर अनादर फाइव ईयर्स ऐसा नहीं है एक बार इफ़ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड तो दोबारा ही नहीं होगा तो ही कैन भी री अपॉइंटेड फॉर अनादर फाइव years. A member of the tribunal shall hold office unless he attains. In the case of president to age 67 years. In the case of other member, the age of 65 years uh, provided uh, he who has not completed the 50 years of age and provided further the member may retain his land with his पेरेंट क्रेडर और द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट द चेयरपर्सन और द मेंबर ऑफ द अपीलेंट ट्रिब्यूनल शेल होल्ड ऑफिस सच फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स द ऑफिस एपेलट ट्रिब्यूनल के लिए भी यही है द चेयरपर्सन कैसे होगा फाइव ईयर्स के लिए एंड शेल बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट फॉर अनदर फाइव ईयर्स ही विल ऑल्सो भी री अपॉइंटेड फॉर अनादर टर्म ऑफ फाइव ईयर्स द मेम्बर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल शेल होल्ड ऑफिस एज सच एंटिल ही अटेंस एंटिल ही अटेंस में सेम चीज़ जैसे मैंबर ऑफ ट्रिब्यूनल में थी यहाँ पर मैंबर ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल के लिए member, years. Years है इन द केस ऑफ चेयरपर्सन द एज ऑफ सिक्सटी सेवन ईयरस इन द केस ऑफ मेंबर द एज ऑफ सिक्सटी सेवन ईयर्स सेवेंटी ईयर्स है ऊपर और नीचे है सिक्सटी सेवन ईयर्स दैन फोर ट्वेंटी ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल द ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने के लिए रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड विल बी गिवन टू द पार्टीज द ट्रिब्यूनल में एनी टाइम विदिन टू ईयर्स फ्राम द डेट ऑफ द ऑर्डर रेक्टीफाई कर सकता है अपनी एनी मिस्टेक को वेट इज़ अपेरेंट ऑन दी रिकॉर्ड अमेंड एनी ऑर्डर एंड मेक सच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड दैट नो सच अमेंडमेंट शेल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील इज प्रिफॉर्ड एंड ट्रिब्यूनल विल सेंड अ कापी ऑफ एवरी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन टू द पार्टीज और कॉपी सेंड कर दी जाएंगी पार्टीज को अपील फ्राम ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल यहाँ पर क्या है अपील्स की भी बात करिए पहले तो ऑर्डर हुआ दैट इट कैन बी अपील एनी पर्सन एग्रीव्ड बाई एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल में रिफर एंड अपील अपील जाएगी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं पार्टीज नो अपील ट्रिब्यूनल मेड बाय द ट्रिब्यूनल विद द कंसन ऑफ द पार्टी अगर कंसर्ट ऑफ दार्टीज है तो नो अपील ट्रिब्यूनल एवरी अपील डेज जो सबसे वन में दिया गया है पीरियड ऑफ फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल इज मेड अवेलेबल ऑन द रिसिप्ट ऑफ द अपील द अपीलेंट ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग द पार्टीज अ रिजनेबल अपॉर्चुनिटी पास सच ऑर्डर्स और जब हम उसको अपील मिल जाएगी रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो ही कैन पास ऑर्डर्स एज ही The appellant tribunal shall send a copy of every order to the uh, tribunal and the parties to appeal. Now, uh, section uh, 423 this is the last section of uh, this day today. Any person अग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर ऑफ द एपिलेट ट्रिब्यूनल में फाइल एंड अपील टू द सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी अपेले ट्रिब्यूनल के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है फॉर ऑर्डर ऑफ द एपिलेट ट्रिब्यूनल विदिन सिक्सटी डेज फ्राम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ दट ट्रिब्यूनल बताए एपेलेट ट्रिब्यूनल की जब आपको कॉपी रिसीव हो जाएगी और ऑर्डर पास आउट हो जाएगा बाई अपेलेट ट्रिब्यूनल तो यू पार्टीज कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर अपील विदिन सिक्सटी डेज ऑफ टाइम आफ्टर द रिसिविंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल प्रोवाइडेड दैट दट सुप्रीम कोर्ट मे इफ इट इज़ सेटिस दैट द एपेलेंट वॉजट बाई सफिशेंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील विद इन द सेट पीरियड अलाउ इट टू फाइल्ड विद इन अ फॉर द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग सिक्सटी डेज अगर सुप्रीम कोर्ट को यह सेटिस्फाइड हो जाता है कि एपेलेंट को प्रिवेंटेड था कोई सफिशेंट कॉज की वजह से कि वो फाइल ही नहीं कर पाया विद इन सेन इट विल बी अलाउड दैट ही कैन फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ Exceeding period of 60 days. Thank you. This is all for today.